अगर आप लोग भी इस तरह की स्किन पाना चाहते हैं, जापानीज सीक्रेट जो कि जापानीज लोग अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, और ये सीक्रेट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ यही सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कि जापानीज लोग क्यों इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। उनकी स्किन एक बेबी टाइप स्किन होती है, वैसे ही आपकी स्किन हो सकती है अगर आप आज की ये वीडियो देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इट्स मी राबिया, और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक सीक्रेट जापानीज क्रीम शेयर करने वाली हूँ कि जापानीज लोग अपने फेस पे ऐसा क्या अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा यंग दिखाई देते और उनकी स्किन इतनी ज़्यादा वाइट और ब्राइट दिखाई देती है। तो जापानीज लोग जो सीक्रेट यूज़ करने वाले हैं ना, वो मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो हमें सबसे जो पहला इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है राइस। राइस आपने अच्छे से वॉश करने है, वॉश करने के बाद आपने एक और पैन लेना है, उसमें आपने तकरीबन 2 ग्लास के करीब आपने पानी ऐड करना है। देन आपने यही राइस, आपने इसका जो राइस जो वॉश करेंगे ना, इसका पानी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, आपने ये पानी प्लांट्स में डाल देना है, ठीक है। और या आप इससे अपना फेस भी वॉश कर सकते हैं। देन आपने ये, हमने राइस लिए थे 6 से 7 चमचे हमने राइस की ली थी, और आपने इस पानी के अंदर डाल देना, आपने इसको बॉयल होने देना है। इतना बॉयल होना है कि ताकि ये इतना ज़्यादा ना ही चावल बहुत ज़्यादा गल जाए और ना ही ये कच्चे रहे, यानी कि नॉर्मल इतना रहे कि चावल बस गल जाए, बहुत ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है। इस स्टेज पे आके चावल ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। देन आपने कोई भी ग्राइंडर ब्लाइंडर जिसमें भी आप कंफर्टेबल, आपने ये चावल उसमें थोड़े से ठंडे करने और आपने इसका पेस्ट बना लेना। अच्छा जी, यहाँ पे इस पेस्ट को डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं करना, इसका भी एक मेथड है। स्क्रीन को आपने फेस पे कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके 2 मेथड हैं जो कि जिस 2 मेथड के जरिए आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कोई भी ले लेना स्ट्रेनर, उसकी हेल्प से यहाँ पे आपने इसका अच्छे से आपने जूस निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पे तो इसके चावलों के छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स रह जाएंगे जो कि एज अ क्रीम वर्क नहीं करेंगे। क्योंकि हमें ये क्रीम ऐसी चाहिए कि जैसे कि मार्केट प्लेस क्रीम है, और ये आपके फेस पे भी ऐसा ही वर्क करेगी जितनी कि ये मार्केट प्लेस क्रीम से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी आपकी स्किन पे। तो आपने थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट कोई आपने घबराना नहीं है। जो आप बाहर से इतनी महंगी महंगी क्रीम्स लेते हैं ना, वही आप घर पे उससे अच्छी आप घर पर होममेड साफ सुथरी सी ये क्रीम अप्लाई करें। तो आपने स्ट्रेनर की हेल्प से इसका अच्छे से जूस निकालना है, याद रहे इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं रहना चाहिए। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही ये पेस्ट बन गया जैसे कि आपने कोई बाहर से क्रीम बाय की हुई। यहाँ पे तकरीबन ये 3 to 4 tablespoons के करीब यहाँ पे ये पेस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी रॉ मिल्क। रॉ मिल्क वैसे भी आपके फेस को ब्राइट करने में, आपके फेस पर डार्क स्पॉट के लिए, आपकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना कि जब ये रॉ मिल्क ना आपके जब राइस के साथ ऐड होगा ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपके फेस पर और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप लोग के फेस पे कोई डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, किसी किस्म की आपको एक्नी के मार्क्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। देन इसमें 3rd ingredient ऐड करेंगे जो कि इसको और ज़्यादा अच्छा कर देगा, और ज़्यादा पावरफुल बना देगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे रोजमेरी ऑयल। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के पास रोजमेरी ऑयल या होबा ऑयल या जो भी वो एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं, आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप इसकी जगह सीधा सीधा आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। स्वीट आलमंड ऑयल इसमें यूज़ करें, ये भी ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, व्हाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे तकरीबन आपने 1 1.5 tablespoons आप इसमें ये रोजमेरी ऑयल ऐड करेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन पर ड्राइनेस को नहीं आने देगा, आपकी स्किन जो डल हो जाती है ना खासकर समर्स में, क्योंकि हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हमारी स्किन एक डल दिखाई देती है। और ये आपकी स्किन को ना रिफ्रेश कर देगा, जैसे कि बिल्कुल नेचुरल जो आपका फेस का कलर है ना उसको निकाल के बाहर लाएगा। और आप इसको जैसे मैं बताऊंगी ना जिस तरीके से अगर आप लोगों ने यूज़ किया, तो विद इन 1 week आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा फियर हो जाएगी कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। देन हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट, एक नहीं 2 ingredients और ऐड करेंगे जो कि इसकी प्रॉपर्टीज को और ज़्यादा बढ़ा देगा और ज़्यादा आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट करेगा, आपकी
स्किन पर से अगर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, एक्नी मार्क्स है, किसी किस्म की स्किन प्रॉब्लम है, सनबर्न हो चुके हैं, उसको दूर करेगा। देन इसमें सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट हम इस पे ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। यहाँ पे आपने मार्केट प्लेस ही एलोवेरा जेल लेना है क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आपने इसको कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और कब कब आपने इसको यूज़ करना है। आपने इसको दो मेथड के जरिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पे हमने टू टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल के ऐड किया, उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में हमने इसमें ऐड करना है जो कि इसको और द वाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। यहाँ पे हमने यूज़ करना है कॉर्न फ्लोर जितना आपकी स्किन को वाइट करेगा ना, जब ये रॉ मिल्क और राइस के साथ मिल के जो आपकी स्किन को ब्राइट करने में मदद देगा ना, इतनी कोई भी चीज़ आपकी स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए इफेक्टिव नहीं है। देन ये क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम आप बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप बच्चों की स्किन भी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और आप अगर अभी से उनकी स्किन पर ये क्रीम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो उनकी स्किन जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट होती जाएगी ना, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। देन आपने इसको किसी भी जार में सेव कर लेना है और ये 10 से 12 दिन आपकी क्रीम इजिली चलेगी। आपने यहाँ रूम टेम्परेचर पर नहीं रखनी है, आपने इसको फ्रिज में रखना है। जब आपने इसको अप्लाई करना आपने फ्रिज से निकालना है और आपने रात को इसको अप्लाई करना है, अच्छे से अपना फेस वॉश वॉश करना है, देन आपने इस क्रीम को अप्लाई करके सो जाना है। अच्छा जी, ये क्रीम एज अ फेस मास्क भी अप्लाई हो सकती है और एज अ क्रीम भी यूज हो सकती है, 2-in-1 ये यूज़ करें। क्रीम को यूज़ करने के बाद प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, लाइक और शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।